हाय एवरीवन, आपका अपना चैनल एसएन आइसोलेशन में स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन 2020। क्या बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया, टाइपिंग का क्या स्पीड और आपका कितना वर्ड गलती होने से और की स्पीड की स्टॉक कितना रहने से आपका सिलेक्शन टाइपिंग पे हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले आप लोग जो भी है नया चैनल पे, अगर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और पूरे जानकारी लीजिए। आप लोग होता क्या है क्या मतलब आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और समझ नहीं पाते, तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और देखिए कितने आप लोग का की स्टॉक रहने के बाद आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोग का इसका एग्जाम जो हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जिसको हम लोग सीबीटी के ये से आते, ठीक है, सीबीटी एग्जाम से। तो ये जो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो आपका इसमें सिलेक्शन लगभग आपका जो लिस्ट में आया था 15,800, ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए कि 16,000 का आया, ठीक है। इसमें से जो टाइपिंग जो हुआ है आप लोगों को टाइपिंग लिया गया, ठीक है, टाइपिंग में आप लोग को इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 का ये मिनिमम स्पीड आप लोग का मांगा गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिनिमम स्पीड। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें से कितना स्टॉक अगर आप लोग का रहने से आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, कितना की स्टॉक रहने के बाद आप लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि 1 मिनट में 30 वर्ड को इंग्लिश में टाइपिंग करना है, ठीक है, 1 मिनट पर 30 वर्ड्स, ठीक है, तो 30 वर्ड्स जो है तो आपको मानते हैं कि अगर यदि 5 वर्ड अगर किसी का गलती होता तो क्या आपका की स्टॉक क्या होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं 1530, ठीक है, 1530 अगर यदि आपका की स्टॉक रहता है तो 5 अगर गलती होता है तो आपका ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब उसी में हम फिर बात करेंगे अगर 10 अगर गलती होता है, ठीक है, तो आपका हो जाना चाहिए 1550, ठीक है, 1550 अगर आपका की स्टॉक रहता है, अगर 10 गलती हो जाता है तो आपका ये 30 का ये हो जाएगा, ठीक है, इस पे आपका फिर मेकअप हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर 15 अगर जो डिफॉल्ट हो जाता है, 15 की बात करते हैं तो 1575 आपका की स्टॉक होना चाहिए तब फिर होगा। अब अगर 20 हो जाता है तो 1600, ठीक है, 1600 अगर आपका की स्टॉक पूरा रहता है तो आपका ये 20 का ये होता है, ठीक है, इस टाइप से आपका ये होगा। अब फिर हम बात करेंगे हिंदी की का, हिंदी में क्या है सिस्टम, तो हिंदी में अगर आपका 1275 होता है तो आपका 5 अगर गलती होता है तो 1275 आपका की स्टॉक होना है। तो अब हम बात करेंगे अगर हिंदी में अगर 10 अगर गलती होता है, ठीक है, 10 अगर गलती होता है तो आपका यहाँ पर 1300 पूरा की स्टॉक होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर यदि यहाँ पे 15 अगर मान लेते हैं, 15 इस पे भी अगर गलती होता है तो 15 अगर गलती होता है तो 1330, ठीक है, और अगर 20 गलती होता है, 20 अगर गलती होता है तो आपका 1350 होना चाहिए, ठीक है, 1300 अगर 50 होता है आपका 20, तो इस टाइप से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो अब इसमें बहुत सारा बच्चा मान रहे हैं कि इसमें क्या सर मतलब इसका जो दोबारा आपका मतलब मेरिट लिस्ट आएगा या मतलब क्या आएगा, तो आपका जो दोबारा लिस्ट आएगा सबसे पहले तो हम बात करें कि इसका जो आपका जो टाइपिंग का जो रिजल्ट है, टाइपिंग का रिजल्ट आपका 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा, 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा। अगले वीडियो में हम बता दिए थे और बात रही कि आप लोग जो रजिस्ट्रेशन 1000 रुपया देकर आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आप लोग को घबराइए मत, आप लोग को 3 मौका मिलता है। अगर किसी का अगर जो ये 15,800 के नाम पे इस लिस्ट पे अगर नाम नहीं आया है तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, आपको कोई विदाउट रजिस्ट्रेशन किए हुए आपको और 2 मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर यदि आपका उस पर भी नाम आ गया और आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आया, आप टाइपिंग में कोई मतलब ये कर जाते हैं टाइपिंग में अगर, तो आप लोग को फिर टाइपिंग पे डायरेक्ट आपको 2 मौका मिलता है, ठीक है, 2 मौका मिलेगा। अब हम मान लेते हैं कि आपका टाइपिंग भी कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग भरे, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट पे आपको डाटा एंट्री का आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। अब उसी डिस्ट्रिक्ट पे आप मान लीजिएगा सर के किस टाइप में, तो बहुत सारा ऐसा है ऑफिस है जहाँ पे डाटा एंट्री के लिए मांगा जाता है, ठीक है, वहां पे आप लोग को हो सकता है किसी लोकल थाना हो गया या कोई भी मतलब गवर्नमेंट रोड पे ऑफिस में आप लोग को लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ
यहाँ तक हो गया आपका रिजल्ट भी मैं बता दिया 15 मार्च तक आता है। 15 मार्च के बाद फिर एक सेकेंड लिस्ट आएगा, उसमें आप लोग को फिर से बुलाया जाएगा। तो आप लोग हड़बड़ाइए मत दोस्तों, कि मतलब आप लोग का जो अगर जो टाइपिंग नहीं निकलता, आप लोगों को बता दिया, अगर यदि आप लोगों के पास जो आप लोग टाइपिंग किए हुए हैं, आप लोग जो आए, तो ये कैलकुलेशन के अनुसार जो मैंने ये अभी कैलकुलेशन आपको बताया गया, इतना अगर गलत होने से आपका अगर की स्टॉक अगर 1530 रहता है और अगर यदि आपका 5 गलत होता है तो आपका 30 का मेकअप करेगा। मिनिमम आपका इंग्लिश 30 था और हिंदी 25, ठीक है, इतना ही। और अगर यदि कुछ न्यू जानकारी के लिए फिर हम मिलते हैं, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए, जो कि आपको सबसे आपका पहले तक आपके पास वीडियो पहुंचे और आप लोग सटीक से सटीक जानकारी पाइए। SNY सॉल्यूशन में आपको सटीक जानकारी मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, 100% के साथ सटीक जानकारी मिलेगा। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी, आप लोग जो भी ये बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिया उससे भी आप लोग रिकवर कीजिए और लोगों को बोलिए।